जब तक सूरज चांद रहेगा धोनी तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय। हाँ लवली, हाउ डिड यू मेक इट? How did you make it? It's a resin art. Resin art, क्या होता है वो? वो एक fluid technique होता है. It's chemical. We have to mix the resin and the hardener. So with that I did all this, the color combination, everything. You're a big Dhoni fan. Yeah. Since when? Since when he is playing. अच्छा. How do you think last season of MS Dhoni? Sorry. Last season of MS Dhoni in IPL कैसा लग रहा है? This is the reason I want to see him. I am all the way from Odisha just to see him. Yes. अभी कब पहुंची Odisha से? Sir, मैं अभी हूँ, ये वीक हूँ, तो this is my last chance to meet him. What's your name? Ipshita. Ipshita. अब चिपक नहीं जाओगी यहाँ से अगर यहाँ नहीं मिला? नहीं सर, अभी के लिए आई एम हियर. दिस इज माय लास्ट चांस टू मीट हिम. आई जस्ट वांट टू सी हिम जस्ट फॉर वन टाइम इन माय लाइफ. So you're almost crying. Dhoni ka last season. So what are you expecting next? क्या होना चाहिए धोनी का next rule? I don't know. I know he will step down and with his most epic thing, he will step down with just a post. I know this is going to happen. So very predictable of Dhoni. But कितने दिन में बनाया ये आपने? ये मैंने चार दिन में बनाया. चार दिन में बना. थैंक यू. कंप्यूटर से? बस फोटो कंप्यूटराइज्ड है, बाकी सब मैंने हाथ से बनाया. खुद से? यस. दिस इज द प्लाईवुड एंड ऊपर से ये जो लिक्विड का सारा ये मैंने ही बनाया. ऑल द बेस्ट एंड विश ही मीट्स यू. सर डेफिनेटली नॉट, तो धोनी सर भी बोल चुके हैं और पब्लिक भी बोल रही है. नहीं, धोनी सर ने वो तो पहले के पहले साल बोला, ये साल तो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए. क्योंकि धोनी सर जब आते हैं स्टेडियम में वो उनका डिसीजन है वो कब रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे. क्योंकि धोनी सर का रिटायरमेंट अलग ही रहता है सब लोगों से. क्योंकि जब भी वो रिटायरमेंट का अनाउंस करते हैं तो आपने देखा ही होगा, टेस्ट मैच को ले लो, ODIs को ले लो. नहीं बट अब फाइनल लग रहा है तो क्या फाइनल लग रहा है? सुना तो होगा ना आपने? बिल्कुल सुना है. तो क्या लग रहा था, कैसा फीलिंग था जब बोल दिया यार दिस इज माय लास्ट? देखो दुख तो होता है क्योंकि फैन रहे हैं उनके, फैन रहे हैं तो हमेशा ही धोनी सर को 16-17 सालों से फॉलो कर रहे हैं. जहाँ भी मैच रहता है, कोई भी स्टेडियम रहे, इंडिया में रहे, इंडिया से बाहर रहे, तो जाने को नहीं छोड़ते हैं. क्योंकि धोनी सर को देखना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और उनके नाम से. क्या करोगे आप, क्या करोगे अब धोनी सर तो रिटायरमेंट ले रहे हैं, नेक्स्ट क्या करूँगा? मैं तो चाहूँगा रिटायरमेंट ना ले, वो अगले साल भी खेले. जैसे उनका फिटनेस है, जैसे उनका खेल है, और ऐसे लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में अगर वो दोबारा रिटर्न हो जाए तो सोने पे सुहागा होगा. नहीं बस ही कैप्टनसी है. एब्सोल्युटली. मगर आप ये बताइए मुझे कि अगले साल क्या कैसे रोल में धोनी को देखना चाहोगे? प्लेयर तो नहीं है. देखो धोनी सर ने जो देश के लिए किया है, जो इंडिया के लिए किया है, वो चेन्नई सुपर किंग के लिए 5 ट्रॉफी दे चुके हैं. अभी उन लोगों का ये बड़प्पन देखिए, उन्होंने कैप्टनसी भी छोड़ा है. रितु गायकवाड़ को आगे फ्रंट ऑफ लाए, यंगस्टरों को आगे लाए हैं. क्योंकि धोनी देखो भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का समय कब उनके माइंड में है वो उन्होंने सोच के रखा हुआ है. एज अ फैन हम चाहेंगे धोनी सर खेलें, तो ही फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी रहती है. धोनी सर जब फील्ड में आते हैं तो पूरे स्टेडियम में, स्टेडियम किसी भी किसी का भी रहे, लेकिन धोनी की गूंज जो रहती है तो एक दिन तो देखो जो आया है खेलने के लिए उसको जाना पड़ेगा. लेकिन हम चाहेंगे धोनी सर एक साल और निकालें फैंस के लिए एक साल. और मगर फिटनेस, मगर घुसने आप देखे हो कि आप लिम करते हुए नजर आ रहे हैं, इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहे, इतना कॉन्फिडेंट. बैटिंग नंबर भी नीचे उन्होंने किया, तो वो हिसाब से आप थोड़ा कैसा देख रहे हो? देखो बैटिंग ऑर्डर तो उनके अपने आप ही डिसाइड होता है, क्योंकि नंबर 7 वो इंडिया के लिए भी खेलते रहे हैं. जब उनका मन करता है वो ऊपर आते हैं. जब जड्डू भाई आते हैं तो जड्डू भाई कहते हैं माही भाई आप पहले आइए. लोग हमें कह रहे हैं आउट हो आउट हो, तो धोनी सर को ऊपर भी आना पड़ता है. अभी लास्ट मैच में वो ऊपर आए, जड्डू भाई आगे गए लेकिन सीधा वहाँ पे बैठ गए, तो धोनी सर पीछे से आ रहे हैं. तो अलग ही मूवमेंट रहता है धोनी सर जब आते हैं. तो चाहेंगे ये मैच भी बहुत ज़बरदस्त हो, जितनी देर भी वो खेलें, साल खेलें, 2 साल खेलें, 4 साल खेलें या इस साल खेलें, लेकिन धोनी सर जब तक खेलेंगे जब तक फैंस मूवमेंट उनका हमेशा पहुँचते रहेगा, सपोर्ट करते रहेगा. आई फील मैं चाहूँगा धोनी सर एक साल और निकालें. एक साल और निकालें जी, ये हर साल बढ़ता जाएगा मगर. बिल्कुल बढ़ता जाएगा क्योंकि धोनी सर का जवाब ही अलग है. बिल्कुल धोनी सर का जो मैजिक है, उनका ग्राउंड में जो स्वागत होता है वो अलग ही चल रहा है. ये सीजन लास्ट सीजन है समझिए, तो आप स्पेशल क्या कर रहे हैं? आप हर स्टेडियम में जा रहे हैं? स्पेशल तो यही है, मेरी लाइफ धोनी के नाम से है और हमेशा मैं दिखते रहूँगा इंडिया टीम के लिए और चेन्नई सुपर किंग. जब जहाँ जहाँ धोनी सर खेलेंगे वहाँ वहाँ मैं दिखते रहूँगा और ये हिंदुस्तान का झंडा हमेशा धोनी के नाम से लहराता रहेगा. अच्छा जब नहीं खेलेंगे तब कहाँ रहोगे? तब इंडिया के साथ रहेंगे. जब भी रहे, अभी भी इंडिया के लिए जाते हैं. जब धोनी सर इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, इंडियन टीम के साथ मैं हमेशा धोनी 7 लिख के हमेशा रहता हूँ टीम इंडिया के लिए, मौजूद कोई भी स्टेडियम पर. हमारे धोनी सर ग्राउंड पर रहे या ना रहे, धोनी 7 जरूर रहेगा. बिल्कुल दिखते रहे.
रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धोनी तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय।